सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनलता भगवतिया फिर से एक नई केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का वेलकम करती हूँ। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। मैं पिछली क्लास का कुछ भाग जो है वो रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री में बच्चों हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो भागों में हमने बांट लिया था। एक था कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक था कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने इथेन, ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन को डिटेल में पढ़ लिया था। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म को हमने दो भागों में बांटा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था और उसमें हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। हमने ये बात की थी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, मैं उसको भी रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपको पिछली क्लास का जो है वो वापस रिकॉल हो जाए और हम उससे आगे बढ़ें। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात की थी कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स हम किसे कहेंगे और इन जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति क्या व्यवहार होता है। हम ये देखते हैं कि इनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद हमने जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स थे उनके लिए दो क्राइटेरिया बताए थे। एक क्राइटेरिया ये बताया था कि या तो इसमें कायरल सेंटर हो या फिर इसमें एब्सेंस ऑफ एनी सिमेट्री एलिमेंट। हमने बात की थी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए, हमने बात की थी कि या तो उसमें प्रेजेंस ऑफ कोई कायरल सेंटर हो या इसमें जो है एब्सेंस ऑफ एनी सिमेट्री एलिमेंट हो। तो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया था कि जब हम सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं तो हम किस किस सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं। हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की और हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। ठीक है, जब हम कोई सिमेट्री एलिमेंट की बात करते हैं तो हम तीन सिमेट्री जो है एलिमेंट्स देखते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कायरल सेंटर जो है वो कैसे देखते हैं, कायरल सेंटर किसे कहेंगे और किसी मॉलिक्यूल में आप किस तरह से कायरल सेंटर का पता लगा सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कायरल सेंटर। सिमेट्री एलिमेंट्स की जो चर्चा है वो और भी डिटेल में हम बाद में करेंगे और इन सिमेट्री एलिमेंट्स को किस तरह से देखा जाता है वो भी हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कायरल सेंटर की।
काइरल सेंटर की। आप काइरल सेंटर कह दीजिए या आप काइरल कार्बन कह दीजिए, ज़रूरी नहीं कि जो काइरल सेंटर है वो काइरल कार्बन ही हो। काइरल सेंटर कोई भी हो सकता है, काइरल सेंटर कोई भी हो सकता है, काइरल कार्बन हो सकता है, काइरल नाइट्रोजन हो सकता है, काइरल सल्फर हो सकता है एंड सो ऑन। काइरल सेंटर कोई भी हो सकता है। अब एनी सेंटर हम बात कर रहे हैं यहाँ सेंटर की, यानी एनी सेंटर दैट इज अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड अ काइरल सेंटर। एनी सेंटर दैट इज अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड अ काइरल सेंटर। जैसे कि मैं कार्बन की बात करूँ, मैं कार्बन को 1, 2, 3, 4 कार्बन की वैलेंसी ले रही हूँ और उसको मैं ए बी सी एंड डी जो है ग्रुप से जोड़ रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड अ काइरल सेंटर। इसी तरह हम नाइट्रोजन को डिफरेंट ग्रुप से अटैच कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नाइट्रोजन लिया, एक तरफ हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल। हमारे पास नाइट्रोजन है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है और एक तरफ आइसोप्रोपाइल है। हम इस नाइट्रोजन को भी क्या कहेंगे, काइरल सेंटर, क्योंकि एनी नाइट्रोजन दैट इज अटैच टू डिफरेंट ग्रुप्स। यहाँ पे हमारे पास एक CH3 ग्रुप है, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा C2H5 और ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो एनी एटम दैट इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज काइरल सेंटर। इसी तरह से अगर मैं सल्फर की बात करूं तो मान लीजिए मेरे पास ये सल्फर है और इसका मैंने डिफरेंट ग्रुप से अटैच कर दिया है, तो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स कैसे हुए, ए हमारे पास ऑक्सीजन है, बी हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, सी हमारे पास लोन पेयर है एंड डी हमारे पास इथाइल ग्रुप है। तो एनी सेंटर दैट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज अ काइरल सेंटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक जो ग्रुप है उसको लोन पेयर को भी मानेंगे क्योंकि ये भी एज अ सेटिस्फैक्शन वैलेंसी में काउंट किया जाएगा। तो और हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं काइरल सेंटर के, जैसे Cl, Br and I। ठीक है, Cl, Br and I। अब इस मॉलिक्यूल में जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास, अगर हम फर्स्ट वाला कार्बन ले तो हमें पता है कि यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये एंड दिस कार्बन की तो पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट ही हो जाती है क्योंकि यहाँ पे 3 एक सिमिलर ग्रुप्स लगे हुए हैं। इनके अलावा हम नेक्स्ट कार्बन पे प्रोसीड करते हैं कि हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीन कार्बन हम देख सकते हैं। इन तीनों कार्बन में देखा जाए तो अगर हम इसकी वैलेंसी देखें तो एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से फुलफिल है, इन सभी तीनों कार्बन में एक वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से फुलफिल है। बाकी के इनके तीन अगर वैलेंसी की बात की जाए तो एक जो वैलेंसी है वो यहाँ मिथाइल ग्रुप से, एक वैलेंसी कार्बन क्लोरीन एटम से और एक वैलेंसी जो है वो नेक्स्ट कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट कार्बन जो है वो बीआर से अटैच है, इसलिए एज अ डिफरेंट कार्बन काउंट हुआ होगा, इसलिए हमारे पास एक काइरल सेंटर ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट कार्बन की तरफ प्रोसीड करें तो हमारे इस C3 कार्बन में
एक वैलेंसी Br से अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन से अटैच्ड है, यानी दो डिफरेंट ग्रुप्स ये हो गए। उसके बाद हम अगर दो डिफरेंट रूट्स में जाए, यहाँ पे हम दो वैलेंसी और देखनी है, एक वैलेंसी का रूट इधर है और एक वैलेंसी का रूट इधर है, एक इधर कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन ये दोनों जो कार्बन है उसकी जो कंडीशन है वो अलग है। क्यों? क्योंकि एक कार्बन क्लोराइड से अटैच्ड है और एक कार्बन आयोडाइड से अटैच्ड है, तो दोनों जो कार्बन है वो डिफरेंट हम काउंट करेंगे, क्योंकि इनके जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो दोनों डिफरेंट है। एक इनके जो हैलोजन्स जो अटैच्ड हैं वो भी डिफरेंट है, इसलिए जो नेक्स्ट जो कायरल सेंटर है वो हमारा है C3 कार्बन। नेक्स्ट हम C4 कार्बन की तरफ प्रोसीड करते हैं। C4 कार्बन में एक वैलेंसी हम देखते हैं कि हैलोजन से यानी आयोडीन से सेटिस्फाइड है और एक जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी इसकी मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है और नेक्स्ट कार्बन से सेटिस्फाइड है, यानी ये तो टोटली ही इसके फोर डिफरेंट एटम्स हैं। तो इस मॉलिक्यूल में देखा जाए तो हमारे पास तीन डिफरेंट कायरल सेंटर्स मौजूद हैं। एलिसाइक्लिक ओपन चेन सिस्टम्स पे ही नहीं, मतलब चेन सिस्टम्स में ही नहीं, हम इनको रिंग जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं उन पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। कैसे? कि मान लीजिए मेरे पास ये मॉलिक्यूल का एग्जांपल है, हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल ये है साइक्लोहेक्सीन का, ये हमारे पास साइक्लोहेक्सीन है। अब इसमें जो है हम ऐसा एटम देख लेते हैं जहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें एक ही कार्बन में मिल रहा है, इस कार्बन में। अब इस कार्बन पे हमें फोर डिफरेंट ग्रुप्स देखने हैं, यानी हमारे पास एक जो है, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरे ग्रुप और चौथे ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ये रिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हमें एक ही डायरेक्शन में जाना है, यहाँ हम दो रूट से जा सकते हैं, या तो हम यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसीड करें या फिर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोसीड करें। दोनों ही डायरेक्शन में प्रोसीड करने से देखिए, अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमें सबसे पहले एक ऐसा कार्बन मिल रहा है जो भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी हमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है। तो एक तरफ जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और एक तरफ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन की जो है केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, इसीलिए हमें ये जो कार्बन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट कायरल जो है सेंटर माना जाएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, कुछ डिफरेंट एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिस करें तो इसमें से मैं एक मॉलिक्यूल बनाती हूँ जिसमें ये डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट एग्जांपल है। जैसे कि हमारे पास है दो बेंजो फ्यूज्ड रिंग्स, हमारे पास दो बेंजो फ्यूज्ड रिंग्स हैं और इन दोनों से Cl अटैच्ड है। इस मॉलिक्यूल में हमें ढूंढना है कायरल सेंटर। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सी जगह हमें मिल रहा है, सबसे पहले इस पे, फिर इस पे, यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, नेक्स्ट इस पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, एंड नेक्स्ट इस पे। तो इस मॉलिक्यूल में हमें जो है चार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। उसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मॉलिक्यूल में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मिल रही है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल से एक प्लेन ऐसा ड्रॉ करूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करूं इस पे, तो जो इसके ऊपर का जो पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है वो एक जैसा दिख रहा है, यानी अगर मैं यहाँ पे कोई एक मिरर लगा दूं
तो ऊपर का जो पार्ट है उसका रिफ्लेक्शन अगर नीचे देखें तो वो एग्जैक्टली सेम दिखेगा जैसे ऊपर का पार्ट है। तो इसके लिए मैं इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा एक इमेजिनरी प्लेन है, इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हमारा है सिमेट्री प्लेन। इससे एक जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जितने काइरल सेंटर्स ऊपर के पार्ट में हमें मिलेंगे उतने ही काइरल सेंटर हमें नीचे के पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही प्लेन आपस में सिमिलर हैं। तो ऊपर के प्लेन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इस कार्बन की बात करते हैं। ये देखिए कि अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये जो कार्बन है एक तो ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है, उसके बाद ये दूसरा कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है जो भी बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में है, क्योंकि इस ये तीन कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, अब हम इस रूट को भी लेंगे और इस रूट को भी लेंगे क्योंकि इसकी वैलेंस इस तरह से भी सेटिस्फाइड है और इस तरह से भी सेटिस्फाइड है। तो इस कार्बन के लिए हाइड्रोजन और ये कार्बन और ये कार्बन डिफरेंट अलग अलग है, क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये इस तरह के कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये CH2 and CH2। तो इस कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल अलग है, इसलिए डिफरेंट कार्बन हो गया हमारे लिए। ये वाला जो कार्बन है ये देखिए आगे जाके Cl एंड इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग है, और इस कार्बन का देखिए केमिकल एनवायरनमेंट अलग है क्योंकि इस कार्बन से अटैच होते यहाँ पे कोई Cl नहीं है और यहाँ पे Cl है। तो हमें इस रूट को भी देखना है और हमें इस रूट को भी देखना है जो डिफरेंट है, इसलिए ये काइरल सेंटर, ये कार्बन एक काइरल सेंटर गिना जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट इस कार्बन की बात करते हैं, एक वैलेंसी इसकी Cl से सेटिस्फाइड है और एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैलेंसी इसकी CH2 से सेटिस्फाइड है और नेक्स्ट जो वैलेंसी है इसको इसकी इस कार्बन से सेटिस्फाइड है जो बिल्कुल ही डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में आया है, क्योंकि ये एक क्लोरीन से क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है और इधर CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी हमारे पास डिफरेंट कार्बन है। तो हमारे पास ऊपर के जो पार्ट है उसमें क्या है, 1 and 2 हमें काइरल सेंटर्स मिल रहे हैं, तो हम नीचे के भी जो 2 हैं यानी 3 and 4 हम काइरल सेंटर्स इन्हें गिन सकते हैं। इस हिसाब से यहाँ पे जो टोटल काइरल सेंटर्स हैं वो है 4 काइरल सेंटर्स। तो बच्चों इस तरह से जो है आप काइरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। इसमें मैं एक ऐसा एग्जांपल भी आपको बताना चाहूँगी, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें जैसे हमने ये ले लिया, इसमें हमारे पास नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, इसके एडजस्टमेंट में एक डबल बॉन्ड है। तो ये जो लोन पेयर है हम ये देख रहे हैं कि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम ऐसे एग्जांपल लें जहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है क्या है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे कभी भी उसको एज अ फोर्थ सब्स्टिट्यूएंट काउंट ना करें। जैसे कि मैंने आपको एक पहले एग्जांपल बताया था जिसमें हमने नाइट्रोजन का एक लोन पेयर लिया था और हमने इसको डिफरेंट ग्रुप से अटैच किया था, तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के कारण ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो बच्चों आप एक काइरल सेंटर को किसी भी मॉलिक्यूल में ढूंढ सकते हैं। आगे की जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे स्टीरियो सेंटर के बारे में और कैसे ये स्टीरियो सेंटर एक काइरल सेंटर से डिफरेंट है, ये बात करेंगे, और काइरल और एकाइरल मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।